नमस्कार साथियों वेरी गुड आफ्टरनून और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान अडा टू फोर सेवन पर और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर क्या लेकर साइंस की एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हम सभी को पता है कि हम तैयारी जो है वो तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की और यही जो हमारा लैब असिस्टेंट का पेपर है इसी लैब असिस्टेंट के पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट अः uh, कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं चर्चा जो है वो चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं तो आप सभी का स्वागत सभी का अभिनंदन और इसी स्वागत और अभिनंदन के बाद होली के बाद जो है होली के त्यौहार के बाद जो है वो एक नई शुरुआत जो है वो शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं तो सभी को गुड आफ्टरनून सभी का वेलकम सभी का स्वागत जय माँ भवानी भैया ठीक है भवानी माँ को भी बहुत बहुत जय भाई आ, सारी माओ को जय नवल किशोर नरेश नेमिवाल निमीवाल पूनम झांजरिया वेरी गुड आफ्टरनून आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चले बच्चों देखिए फटाफट से देखो सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहला काम तो क्या करना है सेशन को जितनी जल्दी हो सके ना शेयर जो है वो शेयर कर दो अपने सभी साथियों के बीच में और उन सभी साथियों को जो है जोड़ लो इस क्लास के साथ ताकि वो सभी लोग जो हैं वो इस सेशन का हिस्सा बन सकें वैसे मुझे पता है कि हाईकोर्ट एल का पेपर है तो काफ़ी बच्चे हमारे जो हैं वो वहाँ पर भी क्या चल रहे हैं बिज़ी जो है वो बिज़ी चल रहे हैं लेकिन फिर भी आ, जो लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं वो लैब असिस्टेंट वाले बच्चे आ, क्लास से फटाफट से जो है फटाफट से जुड़ जाइए और अपने सभी साथियों को भी यहाँ से क्या कर लीजिए जोड़ जो है वो जोड़ यहाँ जो पर लीजिए ठीक है तो शेयर करना है फटाफट से सेशन को लाइक करना है और इसी के साथ साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास चंचल गहलोत गुड आफ्टरनून में चर्चा करने वाले ठीक है? तो ह्यूमन ह्यूमन डिजीज के बारे में क्या करेंगे डिस्कशन जो है वो डिस्कशन करेंगे और आज इसी डिस्कशन को हम लोग टू बी कंटिन्यूड जो है वो कंटिन्यूड करने वाले हैं आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इसकी थ्योरी जो है वो थ्योरी पढ़ रहे थे और इसी थ्योरी में हम लोगों ने वायरल uh, डिजीजेस जो हैं उन वायरल डिजीजेस पर हम लोग क्या कर चुके थे पहुंच जो है वो पहुंच चुके थे और उन्हीं वायरल डिजीजेस को हमें आगे बढ़ाना है हमने पोलियो तक जो है वो पोलियो तक पढ़ लिया था ठीक है सब बच्चे मुझे करेक्ट करेंगे कि क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ क्या हम लोगों ने पोलियो डिजीज़ जो है वो पोलियो डिजीज़ कंप्लीट कर ली थी क्या लास्ट सेशन में मैंने आपको काफ़ी सारे पोलियो से जुड़े हुए जीके के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बताए थे कि पोलियो जो है उस पोलियो में कौन सी दवा पिलाई जाती है पोलियो के टीके की खोज जो है वो खोज किसने करी थी टीके की खोज करने के साथ साथ ही पोलियो जो है उस पोलियो भारत को जो है वो पोलियो मुक्त कौन से वर्ष में क्या किया था घोषित जो है वो घोषित किया था इन सारे कहते हैं ना कि इन सारे सिस्टम्स के बारे में जो है वो बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी थी तो भैया सभी का वेलकम है सभी का स्वागत है और सभी का अभिनंदन है और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास तो देखो टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है टॉपिक है बच्चों मानव रोग एक बार थोड़ी सी समरी आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि मानव रोग ह्यूमन डिजीज आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही जो सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज इसी ह्यूमन डिजीज को मैंने पिछले सेशन में आप सभी लोगों के सामने दो भागों में क्या किया था बांटा था दोबारा से इसको मैं रिपीट कर हूँ एक बच्चों मैंने बताए थे आपको आनुवांशिक रोग आनुवांशिक रोग जिन्हें हम लोग जेनेटिक डिजीज जो है वो जेनेटिक डिजीज यहां पर बोलते हैं और इस जेनेटिक डिजीज़ के अंतर्गत टोटल सिक्स डिजीजेस जो है वो सिक्स डिजीजेस मैंने आप लोगों को क्या कराई थी कवर जो है वो कवर यहाँ पर कराई थी उसी के साथ साथ दूसरे जो है वो दूसरे क्या होते हैं दूसरे होते हैं हमारे अर्जित रोग अर्जित रोग जिन्हें हम लोग एक्वायर डिजीज़ जो है वो एक्वायर डिजीज यहाँ पर बोलते हैं एक्वायर डिजीज कहने का मतलब अर्जित रोग वे रोग होते हैं जो भी दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं आपके संक्रामक रोग ठीक है और दूसरे जो है वो दूसरे कौन से होते हैं दूसरे जो है ये दूसरे होते हैं आपके गैर संक्रामक रोग एक होते हैं संक्रामक रोग दूसरे जो है वो दूसरे होते हैं आपके कौन से गैर संक्रामक जो है वो गैर संक्रामक रोग ठीक है तो यही संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में हम लोगों ने इसको क्या किया किया था था जो है वो किया था. एक डिजीज थी दूसरी जो है वो दूसरी क्या थी दूसरी नॉन इंफेक्शियस डिजीज थी और इन्फेक्शियस डिजीज में मैंने आप सभी लोगों को ये भी बताया था कि बच्चों ये जो संक्रामक रोग है ना ये संक्रामक रोग बेसिकली जो है वो बेसिकली चार तरीकों से जो है वो चार तरीकों से फैलते हैं देखो संक्रामक रोग है ये वायरस की वजह से भी फैलते हैं संक्रामक रोग जो है ये कवक की वजह से भी फैलते हैं संक्रामक रोग जो है ये बैक्टीरिया की वजह से भी फैलते हैं और यही संक्रामक रोग जो है अगर हम लोग बात करें तो वायरस बैक्टीरिया कवक और चौथा जो है वो चौथा क्या होता है आपका प्रोटोजुआ जो है वो प्रोटोजुआ होता है अब एक बात सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे सबसे पहले जो है वो सबसे पहले इन्हीं संक्रामक रोगों में मैंने कैटेगरी जो है वो कैटेगरी स्टार्ट करी थी वायरस जनित रोगों की ठीक है और वायरस जनित रोगों को याद करने की एक ट्रिक भी आज आप लोगों के सामने क्या कर रही हूँ शेयर जो है वो शेयर मैं कर रही हूँ सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा रोग है जो वायरस जनित रोग नहीं है ठीक है निम्न में से कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस जनित रोग नहीं है या निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस जनित रोग है ठीक है तो जब इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे करिश्मा दिनेश गुड आफ्टरनून पूनम आज मेरी पहली क्लास है चलिए पूनम कोई बात नहीं आ, मैम ये अभी चली क्लास हाँ बेटा अभी चली ये क्लास ठीक है तो ट्रिक जो है वो ट्रिक हमें याद रखनी है डीएम खास चैप्टर छोटे डीएम खास चैप्टर छोटे और इस ट्रिक को याद रखकर आप सभी लोग जो है वो वायरस जनित रोगों को क्या कर सकते हैं याद जो है वो याद यहाँ पर रख सकते हैं अगर हम लोग डीएम की बात करें तो डी से हो गया क्या मेरे बच्चों डेंगू एम से क्या हो गया एम से हो गया बच्चों मैनेंजाइटिस रोग ठीक है कौन सा रोग मैनेजाइटिस रोग खास से क्या हो गया खास से हो गया यहाँ पर खसरा खसरा जिसे हम लोग मीजल्स जो है वो मीजल्स यहाँ पर बोलते हैं सी से क्या हो गया सी से हो गया बच्चों चेचक एच से क्या हो गया एच से हो गया हेपेटाइटिस रोग ठीक है के बाद से क्या हो गया से हो गया मैम एड्स ऐसे क्या हो गया एड्स हो गया पी से जो है वो पी से क्या हो गया पी से हो गया मैम पोलियो ठीक है पोलियो के बाद टी से क्या हो गया टी से हो गया ट्रैकोमा ट्रैकोमा के बाद ई से क्या हो गया ई से हो गया मैम इन्फ्लुएंज़ा ठीक है और इन्फ्लुएंजा के बाद आर से क्या हो गया आर से हो गया यहाँ पर रेबीज और छोटे से क्या मतलब है छोटे से है मतलब यहाँ पर छोटी माता ठीक है छोटे से मतलब जो है वो मतलब क्या है यहाँ पर छोटे से मतलब है यहाँ पर छोटी माता तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना है रोहन मीना वेरी गुड आफ्टरनून आपका भी स्वागत है प्रमिला जी को नमस्ते हेलो रिंकू जांगेड़ राधे राधे आपका भी बहुत बहुत वेलकम है तो सभी बच्चों का स्वागत सभी का अभिनंदन ये आप लोगों के पास एक बेहद शानदार ट्रिक है बच्चों ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरस की वजह से होती है कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया की वजह से होती है

ठीक है वो डिजीज कौन सी है एड्स हर डिजीज के वो तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हम लोगों से एग्जाम में जो है वो एग्जाम में क्या किए जाते हैं पूछे जो है वो पूछे यहाँ पर जाते हैं देखो अगर हम लोग एड्स की यहाँ पर बात करते हैं तो आप सभी लोगों को याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम क्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिम ये जो है ये किसका नाम है ये एड्स का पूरा जो है वो पूरा नाम है बिल्कुल लूंगी बेटा होगा ये हम सब लोगों को ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है ये इस पूरी डिजीज का नाम है साथ में दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए वर्ल्ड लेवल पर विश्व एड्स दिवस जो है ये विश्व एड्स दिवस किस दिन जो है वो किस दिन क्या किया जाता है मनाया जाता है तो आप सभी

एड्स जो है वो एड्स हमारे शरीर में फैल जो है वो फैल यहाँ पर ज्यादा है ठीक है मैम मैम मुख्य सेविका की क्लास भी आपसे लेती हूँ और यहाँ भी लेती हूँ चलो बहुत अच्छी बात है प्रमिला वेरी गुड बेटा नाइस है ना आप जहाँ जहाँ मैम मिले वहाँ वहाँ ले लिया करो कोई बड़ी बात नहीं है और मैम हर जगह मैम राजस्थान में भी है तो मैम यूपी वालों के दिलों में भी क्या है बसी हुई है ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है तो एच वायरस होता है एच आई वी की फुलफॉर्म अगर आप लोगों से पूछी जाए तो यू मस्ट रिमेम्बर मैम बहुत सारे बच्चे ना इसमें गलत करके आते हैं बहुत सारे बच्चे है ना जब फुल फॉर्म पूछी जाती है तो लिखे आते हैं या कर आते हैं वायरस पे क्योंकि एच है ना लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म जो है वो फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है ठीक है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस होती है क्योंकि एड्स जो है उस एड्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि एड्स जो डिजीज है वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा यानी जो इम्यूनिटी है इसी इम्यूनिटी को क्या कर देती है खत्म कर देती है एड्स हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है इसी इम्यूनिटी को क्या कर देता है खत्म जो है वो खत्म कर देता है तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस जो है वो वायरस इसका पूरा नाम है दूसरी बात मैम अगर वाहक पूछा जाए यानी वेक्टर पूछा जाए कि आखिरकार ये रोग जो है ये रोग किसकी मदद से जो है वो मदद से क्या होता है फैलता है इस रोग के फैलने के कारण जो है वो कारण क्या है अरे तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई अच्छी बात नहीं लग रही है बिल्कुल भी मज़े नहीं आ रहे आज क्लास में ठीक है जल्दी से जो है वो जल्दी से सेशन को शेयर करो हमारी संख्या बढ़ाओ यार जहाँ हम लोग साठ सत्तर पे पहुँचते ठीक है थीके? ये संख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए अब जो है वो होली वोली हो चुकी है होली का कुमार जो है वो हट जाना चाहिए और वापस से पढ़ाई का कुमार हमारे ऊपर आ जाना चाहिए ठीक है तो वाहक में देखो सबसे पहला वाहक होता है संक्रमित सुई संक्रमित सुई संक्रमित सुई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग इन्फेक्टेड निडल बोलते हैं ठीक है इन्फेक्टेड निडल किसी ऐसे व्यक्ति की सुई जो है वो सुई आपको लगा दी जाए जो व्यक्ति एच संक्रमित है और वही इंजेक्शन अगर आपको भी क्या कर दिया जाए लगा दिया जाए तो उस संक्रमित सुई से ये वायरस जो है ये वायरस क्या हो जाता है फैल जो है वो फैल जाता है ठीक है तो हमेशा याद रखो जब भी किसी कंपाउंडर के पास जाओ और वो कंपाउंडर अगर आपको निडल जो है वो निडल या फिर अगर हम लोग कहें कि वो कंपाउंडर जो है वो अगर आपको इंजेक्शन लगाना चाहे ठीक है तो उसी इंजेक्शन में हमें यह चेक करना है कि वो निडल जो है वो निडल सील पैक है या नहीं है तो हमारे सामने जो है वो सामने उसकी सील जो है वो सील क्या होनी चाहिए खुली जो है वो खुली यहाँ पर होनी चाहिए दूसरी चीज़ अगर हम लोगों से पूछा जाए कि दूसरा क्या होता है मैम संक्रमित रक्त जो होता है ठीक है संक्रमित रक्त जो होता है इसी रक्त से या जिसे हम लोग बोल सकते हैं मैम इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है इससे भी एच का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है अगर हमें किसी ऐसे व्यक्ति का खून जो है वो चढ़ा दिया जाए ऐसे व्यक्ति का रक्त जो है वो रक्त हमें चढ़ा दिया जाए जो व्यक्ति एच से संक्रमित है तो वो वायरस बहुत आसानी से हमारे शरीर में भी क्या कर सकता है एंटर जो है वो एंटर कर सकता है तीसरी चीज़ अगर हम लोग बताएं संक्रमित सुई हो गई संक्रमित रक्त जो है वो रक्त हो गया तीसरी चीज अगर हम लोग बताएं तो असुरक्षित यौन संबंध यानी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध जो एच से संक्रमित है वो भी आपके शरीर में एच वायरस का कारण जो है वो कारण बन सकता है और चौथा रीजन जो होता है मैंने चार रीजन बताया ना मां से बच्चे में भी एच का वायरस जो है वो बहुत जल्दी क्या होता है फैलता है अगर मां जो है वो मां एच संक्रमित है तो उस गर्भवती महिला से होने वाला बच्चा जो है वो 110 जो है है वो वो क्या होगा संक्रमित संक्रमित जो है वो संक्रमित होगा तो हमेशा ये जांच हालांकि पहले ही कर ली जाती है कि माँ जो है वो माँ एच पॉजिटिव ना हो ताकि होने वाले बच्चे पर उसका विपरीत प्रभाव जो है वो विपरीत प्रभाव यहाँ पर ना पड़े और इस पान से भी होता है एग्जैक्टली ठीक है अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग भी कोई मदर करा रही है और फीडिंग कराने वाले मदर को भी अगर एच जो है वो एच है तो वो बच्चे में बहुत इजीली जो है वो इजीली क्या हो जाएगा ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा तो दिस इज ऑल अबाउट एड्स ये क्या है ये एड्स नामक जो है वो एड्स नामक क्या है बीमारी जो है वो बीमारी यहाँ पर है ठीक है इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें और हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि मैम एड्स जो है क्या इस एड्स में कोई परीक्षण भी किया जाता है क्या कोई टेस्ट जो है वो टेस्ट भी किया जाता है क्या जो एड्स की जांच में क्या होता है उपयोगी होता है और जहां से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या किया जाता है पूछा जो है वो पूछा जाता है तो आपको याद रखना है एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा परीक्षण या इसको

लिंक्ड के साथ साथ इम्यूनो इम्यूनो के साथ साथ सोर्बेंट और सॉर्बेंट के साथ साथ ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंड ऐसे ये क्या होती है इसी एलिसा का पूरा जो है वो पूरा क्या होता है नाम जो है वो नाम होता है ठीक है यही जो एलिसा है इसी एलिसा का पूरा जो है वो पूरा क्या होता है नाम जो है वो नाम होता है जो आ, टेस्ट किया जाता है ठीक है तो इतना जो है वो इतना हम लोगों को यहाँ पर आ, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है ठीक है चलिए उसी के साथ साथ अगर हम लोग लक्षण की बात करें अगर हम लोग किसकी बात करें लक्षण जो है उस लक्षण की बात करें कि बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ऑफ एड्स ठीक है एड्स के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स क्या होते हैं तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि अगर बिना कुछ करे आपका वजन तेजी से क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है बिना कुछ करे अगर आपका वजन एक तो कहते हैं ना कि इंसान दुनिया भर के डाइट प्लान फॉलो कर लेता है एक्सरसाइज कर लेता है तब भी वजन जो है वो वजन कम नहीं होता लेकिन एक बिना कुछ करे अगर हमारे शरीर का वजन तेजी से कम हो रहा है या यकायक घट रहा है अस्सी से सीधे हम लोग पचास किलो पर आ गए हैं या फिर हम लोग साठ किलो पर आ गए तो चिंता का विषय है बच्चों खुश होने की बात नहीं है वजन तेजी से कम होना किसी रोग का एक प्रमुख जो है वो क्या हो सकता है सिम्टम हो सकता है उसी के साथ साथ शरीर जो है यही शरीर एड्स के रोगी के बारे में जगह जगह

तो यही रक्त का संचार जो है ये क्या हो जाता है अव्यवस्थित जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन जो है ठीक है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो ये है कि प्रतिरक्षा का क्या होना कमजोर होना ठीक है प्रतिरक्षा जो है इसी प्रतिरक्षा का क्या होना कमजोर होना बोले तो भैया बच्चे के शरीर जो भी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है वीक जो है वो वीक यहाँ पर हो जाती है अरे आज कहाँ गए हमारे सारे बच्चे भाई है कहाँ गए हमारे सारे बच्चे कहाँ भाग गए हैं सारे के सारे या होली में से वापस जो है वो वापस लौट कर जो है वो लौट कर अभी तक पहुंचे जो है वो पहुंचे नहीं है ठीक है चलिए तो ये हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ये सेक्सुअल डिजीज भी है और ये नॉन सेक्सुअल डिजीज भी है ठीक है इसको सीधे सीधे हम लोग एसटीडी भी नहीं कह सकते देखो एसटीडी क्या होता है याद रखना डिजीज के फॉर्म में एक वर्ड जो है वो वर्ड यूज किया जाता है डेट इज एस टी डी एस टी डी के फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है एस टी डी के फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये एस की क्या होती है फुल फॉर्म जो है वो फुल फॉर्म होती है और यही जो एस है इसी STD से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा रोग जो है वो एस है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो आप फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा रोग है जो उस वजह से यौन संबंधों की वजह से हो रहा है ठीक है चलिए तो दिस इज अबाउट एड्स एड्स के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट डिजीज जो हमारे सामने आती है वो आती है हेपेटाइटिस ठीक है वो क्या आती है हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस में भी अगर हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस के बहुत सारे फॉर्म्स जो है वो खोजे जा चुके हैं मैम हेपेटाइटिस 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 ए बी सी हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी एंड ई ये पांच फॉर्म जो है ये हेपेटाइटिस के क्या किए जा चुके हैं खोजे जो है वो खोजे जा चुके हैं और हम लोगों से पूछा जाए कि मैम हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए रंग छुड़ाने में लगे हैं हाँ सही बात है है ना पहले रंग लगाया होगा और अब रंग को छुड़ा रहे होंगे और जब तक लाल पीले से गोरे नहीं हो जाएंगे हैं जब तक क्लास में जो है वो क्लास में नहीं आएंगे मतलब अभी जो है वो अभी तो मैम सब कैसे हो रहे हैं लाल पीले हो रहे हैं ठीक है अभी जो है वो सब कैसे हो रहे हैं लाल पीले हो रहे हैं तो हेपेटाइटिस ए जो है अगर हमसे पूछा जाए कि इसका वायरस कौन सा होता है तो मैम हेपेटाइटिस ए के वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस ए ही होता है वाहक पूछा जाए क्या होता है तो आपको याद रखना है कि मैम प्रदूषित पानी और प्रदूषित पानी के साथ साथ जो प्रदूषित भोजन होता है ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो है इस वायरस का कारण जो है वो कारण होता है और इसको सामान्य भाषा में हम लोग ज्वाइंडिस भी बोलते हैं ठीक है इसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं ज्वाइंड जो है वो ज्वाइंडिस भी बोलते हैं ज्वाइंड बोले तो पीलिया ज्वाइंडीज बोली तो क्या पीलिया जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं नाखून पीले हो जाते हैं यूरिन का कलर बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा येलो जो है वो येलो आ जाता है क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों से क्या पूछा जाता है राजकुमार वंशिकार वेरी गुड आफ्टरनून आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मैम जब भी पीलिया हो जाता है या जब भी हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस हैपेटाइटिस हो जाता है तो मैम हमारे शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है यानी प्रभावित अंग या अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी का कौन सा होता है तो यू मस्ट रिमेंबर कि मैम जो लिवर होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं यकृत बोलते हैं यही लिवर या यकृत जो है वो यकृत क्या हो जाता है खराब हो जाता है और सोचो कि अगर हमारी बॉडी का लिवर खराब हो जाएगा तो हमारी पाचन शक्ति जो है वो पाचन शक्ति बिल्कुल क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी इंसान जो खाएगा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसे भूख नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी तो बहुत जल्दी कमजोरी का शिकार जो है वो कमजोरी का शिकार भी वो यहाँ पर हो जाएगा चलो तो इतनी बात जो है ये बात हम लोगों को क्या रखनी है ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है अब देखो वायरस हो गया वाहक हो गया प्रभावित अंग हो गया अब इसमें होता क्या है जब भी किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो मैम पीलिया में क्या सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स हमें दिखाई है देते हैं तो सिम्टम्स ये दिखाई है देते हैं कि व्यक्ति जो होता है इसी व्यक्ति के रक्त में ठीक है इसी व्यक्ति के रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है हम सबको पता है हमारे ब्लड में क्या है हीमोग्लोबिन है जो एक वर्णक है और यही श्वसन वर्णक जो है यही श्वसन वर्णक जो है ये श्वसन वर्णक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक क्या करता है पहुंचाता जो है वो पहुंचाता है तो रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है यही हीमोग्लोबिन किस में बदल जाता है तो हमें याद रखना है मैम यही हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन बिलीरुबिन पिगमेंट में क्या हो जाता है बदल जाता है यही हीमोग्लोबिन जो है ये किस में बदल जाता है मैम हीमोग्लोबिन जो है यही हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन वर्णक जो होता है इसी बिलिरुबिन वर्णक में क्या कर जाता है बदल जो है वो बदल जाता है ठीक है तो रक्त में क्या होता है कि बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा तो हो जाती है ज्यादा ठीक है ये जो है ये तो क्या हो जाता है इनक्रीज और हीमोग्लोबिन जो है इस हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती जाती है कम होती जाती है यानी ये डिक्रीज होता जाता है और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो जब हीमोग्लोबिन भी निकल हो जाएगा तो रक्त का रंग लाल जो है वो लाल नहीं रहेगा ठीक है मैम साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाओगे क्या यूट्यूब पर तब तो मैं साथ साथ नोट्स बनाऊं बेटा बिल्कुल बना सकते हो और अभी तक तो ऐसा ही है कि कराएंगे बाकी देखो परिस्थितियों का कुछ नहीं पता लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं कराया जाएगा या आपको पढ़ाया जो है वो पढ़ाया नहीं जाएगा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है लैब असिस्टेंट और इसी लैब असिस्टेंट के अपने सभी साथियों को आप इस क्लास के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाती है कम बिलोरोबिन वर्णक की मात्रा हो जाती है ज्यादा और इसकी वजह से अगर हमसे कोई पूछे कि मैम लक्षण जो है वो लक्षण क्या दिखाई देते हैं ठीक है लक्षण जो है वो लक्षण क्या दिखाई देते हैं तो हम सभी लोगों को याद रखना है मैम लक्षणों में सबसे पहला होता है मूत्र का रंग अत्याधिक पीला होना ठीक है यूरिन का कलर जो है वो यूरिन का कलर बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाना येलोइश जो है वो येलोइश हो जाना दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम त्वचा पर पीलापन आना ठीक है त्वचा जो है इसी त्वचा पर क्या आना मैम पीलापन जो है वो पीलापन आना तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम जो नाखून है इन्हीं नाखूनों का क्या होना पीला जो है वो पीला होना ठीक है त्वचा पर पीलापन आना मैम नाखून जो है नाखूनों का क्या होना पीला होना अगर ये सिम्टम्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं अपनी बॉडी में ठीक है ये सिम्टम्स अगर हमें हमारी बॉडी में जो है वो क्या कर रहे हैं दिखाई जो है वो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पीलिया के शिकार हो चुके हो आपको जो है वो आपको ज्वाइंडिस जो है वो ज्वाइंटिस हो चुका है और ज्वाइंटस क्या करता है ऐसा कहा जाता है कि खून को जो है वो खून को पानी में बदल देता है ये बिलिरुबिन वर्णक को ऐसा कहा जाता है कि खून जो है वो खून किस में बदल गया पानी में जो है वो पानी में बदल गया और बड़ी घातक बीमारी है इंसान मौत का शिकार हो जाता है पीलिया से बहुत सारे लोगों की जो है वो बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है मृत्यु भी हो जाती है तो ये इसके लक्षण हो गए

ठंडक से बचाना चाहिए मतलब एक सिम्टम बताती हूँ आपको अगर आपको आपके शरीर में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है यानी गर्मी में जब हर इंसान को गर्मी लग रही हो और आपको अगर उस स्थिति में क्या लग रही हो ठंड लग रही हो तो आप ये मान के चलना कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है आपके शरीर में क्या है ब्लड की कमी है जिनके शरीर में ब्लड की क्या होती है कमी होती है उन्हें गर्मी के मौसम में भी क्या लगती है ठंड लगती है ठीक है गर्मी का जो मौसम है उसमें भी क्या लगती है ठंड लगती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग यहाँ पर बताएं कि ठंडक से बचाना चाहिए उसी के साथ साथ हल्का व पौष्टिक आहार देना चाहिए हल्का व पौष्टिक आहार देना चाहिए और हल्का और पौष्टिक आहार के साथ साथ अगर मैं पानी की बात करूं अगर आपके घर में आ रो वाटर प्योरीफायर है तो डेट इज ओके वरना पानी जो है ये पानी हमेशा उबाल कर जो है वो उबाल कर क्या करना चाहिए पिलाना चाहिए हमेशा जो है वो पानी उबाल कर पिलाना चाहिए ताकि हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी को बॉईल किया जाए तो उस पानी में जितने भी जर्म्स हैं वो जर्म्स क्या हो जाए खत्म जो है वो खत्म हो जाए एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि क्या उपचार हो सकता है तो रोगी को तब तक आराम देना चाहिए रोगी को तब तक जो है वो तब तक क्या करना चाहिए आराम जो है वो आराम देना चाहिए जब तक ठीक है जब तक क्या जब तक ब्लड जो है ठीक है इसी ब्लड में बिलीरुबिन वर्णक जो है इसी बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा ब्लड जो है और इसी ब्लड में बिलीरुबिन वर्णक जो है इसी बिलीरुबिन वर्णक की जो मात्रा है वो मात्रा डेढ़ मिलीग्राम प्रति हंड्रेड एम एल ना हो जाए ठीक है वो मात्रा डेढ़ मिलीग्राम प्रति हंड्रेड एम एल जो है वो प्रति हंड्रेड एम ना हो जाए तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है ये सेक्सुअल डिजीज़ नहीं है बच्चों इट्स नॉट एस ठीक है इट्स नॉट एस इट्स नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पीलिया जो है वो प्रदूषित भोजन से हो रहा है प्रदूषित पानी से हो रहा है तो इसको हम लोग उस श्रेणी में सम्मिलित जो है वो सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर सकते ठीक है तो इतना हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है तो दिस इज वॉट दिस इज पीलिया ठीक है ये क्या था आपका हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी जो होता है उस हेपेटाइटिस बी को भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग सफेद पीलिया बोलते हैं यानी वहां पर क्या होता है रक्त का रंग पीला नहीं होता बल्कि रक्त की कमी जो है वो कमी हो जाती है और कमी होने की वजह से ब्लड में इंफेक्शन जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है उसी को हम लोग कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी जो है वो बी यहाँ पर बोलते हैं ठीक है मनीषा जहांगीर हेलो बेटा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट डिजीज जो वायरस से ही होने वाली एक डिजीज है डैट इज रेबीज नेक्स्ट डिजीज़ जो कि वायरस से ही होने वाली क्या है एक डिज़ीज़ है वो क्या है हमारे पास रेबीज़ आप सभी लोगों ने सुना होगा रेबीज़ जो है ये रेबीज़ जानवर के काटने से होती है यानी क्या मैम मैं रेबीज़ को एक जूनोटिक डिज़ीज़ बोल सकती हूँ क्या तो मैं बोलूँगी बिल्कुल आप रेबीज़ को एक जूनोटिक डिज़ीज़ जो है वही जूनोटिक डिज़ीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं क्या मैम रेबीज़ को मैं एक जूनॉटिक डिज़ीज़ बोल सकती हूँ क्या हम बोलेंगे हाँ मैम रेबीज़ को हम लोग एक जूनोटिक डिज़ीज़ बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं क्योंकि जूनोटिक डिज़ीज़ क्या होता है ऐसी कोई भी डिज़ीज़ जो जानवरों से ठीक है जो जानवरों से इंसानों तक क्या होती है फैलती है ऐसी कोई भी डिजीज़ जो जानवर जो हैं इन्हीं जानवरों से इंसानों तक क्या करती है फैलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेबीज़ बोलते हैं से क्या बोलते हैं हम लोग रेबीज जो है वो रेबीज बोलते हैं सबसे पहले रेबीज किसकी वजह से होती है तो भैया रेबीज वायरस की वजह से होती है मैम कौन सा वायरस है जिसकी वजह से रेबीज नामक रोग जो है वो रोग हो जाता है तो आप सब लोगों को याद रखना है ये है रेबडा वायरस ये कौन सा वायरस है यह है रेपडा वायरस और इसी रेपडा वायरस की वजह से यही रेबीज नामक जो डिजीज है ये डिजीज हमारे शरीर में जो है वो शरीर में हो जाती है ठीक है चलो अब रेपडा वायरस हमारी बॉडी में आता कहाँ से है मैम ठीक है क्या होगा ऐसा जिसकी वजह से ये वायरस जो है ये वायरस हमारी बॉडी में क्या कर जाएगा एंटर जो है वो एंटर कर जाएगा तो आप सभी लोगों को याद रखना है इसका वाहक क्या होता है बच्चों इसका वाहक होता है कुत्ता कुत्ते के साथ साथ बिल्ली और बिल्ली के साथ साथ बंदर इसका वाहक होता है कुत्ता कुत्ते के साथ साथ बिल्ली बिल्ली के साथ साथ बंदर ये तीन जो है ये तीन इसके क्या होते हैं प्रमुख जो है वो प्रमुख वाहक होते हैं वाहक होने के साथ साथ ही अगर पूछा जाए कि मैम जब ये काट लेते हैं तो फिर कैसे ये वायरस हमारे शरीर में फैलता है तो जैसे ही ये तीनों जानवर आपको काटते हैं तो काटने पर इनकी लार के माध्यम से ठीक है इनके जो सलाइवा होती है इस सलाइवा के माध्यम से जो हमारे शरीर में घाव होता है इस घाव से होता हुआ ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है काटने पर लार के माध्यम से घाव से होता हुआ ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है मैम मुझे रेबीज की वजह से छह इंजेक्शन लगवाने पड़े थे बेटा वो जमाना ना बहुत पुराना हो गया होगा छह इंजेक्शन वाला तो अब छह इंजेक्शन जो है वो छह इंजेक्शन रेबीज के नहीं जो है वो नहीं लगते हैं अब तो सिंगल वैक्सीन बाय वैक्सीन जो है वो रेबीज की क्या हो चुकी है आ चुकी है ठीक है चलो लक्षण की अगर यहाँ पर क्या की जाए बात जो है वो बात की जाए सिम्टम्स जो है सिम्टम्स की बात की जाए कि मैम जब भी किसी को रेबीज हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं तो आपको याद रखना है सबसे पहला सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया और यहाँ से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ रेबीज डिजीज बहुत महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण सिम्टम है कि हाइड्रोफोबिया जो है ये हाइड्रोफोबिया किस रोग का प्रमुख लक्षण है आकी कुमावत गुड आफ्टरनून आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि यही जो हाइड्रोफोबिया है ये हाइड्रोफोबिया कौन सी डिजीज है जिस डिजीज का एक इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है लक्षण जो है वो लक्षण यहाँ पर है तो आप सब लोगों को ध्यान जो है वो ध्यान रखना है हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से क्या लगना डर लगना ठीक है पानी से डर लगना अगर किसी व्यक्ति में रेबिस का सिम्टम आ गया उसे नहाने से डर लगता है उसे पानी पीने से डर लगता है उसे पानी के पास जाने से जो है वो पास जाने से क्या होता है डर जो है वो डर लगता है दूसरा इसका सबसे अधिक प्रधार प्रभाव जो है वो तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है इंसान में कहीं ना कहीं पागलपन जो है वो पागलपन दिखाई देने लगता है इंसान में कहीं ना कहीं पागलपन जो है वो पागलपन दिखाने दिखाने जो है वो दिखाने लगता है ठीक है धीरे धीरे इंसान पागल हो जाता है एक जमाना होता था पहले जब कुत्ता काट जाता था ठीक है तो उस जमाने में क्या किया जाता था चौदह इंजेक्शन लगा करते थे किसी जमाने में ठीक है और जब चौदह इंजेक्शन जो है वो चौदह इंजेक्शन लगते थे तो चौदह इंजेक्शन लगने पर डॉक्टर ये भी कहता था कि भैया चौदह दिन तक ना उस डॉगी को ऑब्जर्व भी करना अगर आपके आसपास वो डॉगी है आप जानते हो उसे कौन सी गली में किस घर में रहता है तो उसे ऑब्जर्व जो है वो ऑब्जर्व भी करना अगर उस कुत्ते में पागलपन के लक्षण जो है वो पागलपन के लक्षण दिखाई दें आपको काटने के बाद ठीक है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आ, आप भी जो है वो आप भी उन लक्षणों के शिकार जो है वो शिकार हो सकते हो दीपिका नायक वेरी गुड आफ्टरनून बेटा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज सब इतनी लेट लेट क्यों आ रहे हो भाई ठीक है सब इतनी लेट लेट जो है वो लेट लेट यहाँ पर क्यों आ रहे हैं बेटा पोस्ट ना इसकी भरेंगी रोहन पोस्ट इसकी भरेंगी ये आ, मेरा बिल्कुल आपसे वादा है ठीक है अभी जितनी पोस्ट निकाली हैं इतनी पोस्ट पर एग्जाम नहीं होगा अभी हमारे देखो गहलोत साहब ने क्या किया था गहलोत साहब पहली बात तो युवाओं के लिए घोषणाएं करना बजट में भूल गए पहले तो पुराना बजट पढ़ने लग गए फिर नया बजट पढ़ा फिर नए बजट में युवाओं के लिए घोषणाएं करना भूल गए फिर अगले दिन जो है वो युवाओं के लिए घोषणाएं करें आप सोचो काम कितनी जल्दबाजी में हो रहा है कितनी टेंशन जो है उस टेंशन में हो रहा है कुछ भी क्लियर जो है वो क्लियर यहाँ पर नहीं है और उसमें जहाँ दिखा जैसा दिखा जो आदेश आए हुए थे उन्हें जो है वो उन्हें लोगों को क्या कर दिया बता दिया गया अभी जब तक इसका एग्जाम होगा डेफिनेटली यू विल सी डैट की पोस्ट जो है वो पोस्ट इंक्रीज होंगी क्योंकि ज्यादा पोस्ट की रिक्वायरमेंट भी है प्रेम मनिंदा गुड आफ्टरनून आपका भी बहुत बहुत जो है वो बहुत बहुत क्या है स्वागत है लाइक शेयर करते रहिए बच्चों भूलना नहीं है देखो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करिए जल्दी से सेशन को शेयर करिए और अपने सारे साथियों को इस क्लास के साथ जो है वो हमें क्या करना है जोड़ना है तो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव जो है वो प्रभाव पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि जो काटने का स्थान होता है उसी काटने के स्थान पर क्या आ जाता है लकवा जो है वो लकवा भी आ जाता है

तुम क्या ढाई हजार पोस्ट निकलेंगे तो ढाई हजार पोस्ट में नौकरी करोगे क्या एक ही पोस्ट पे नौकरी करोगे ना तो तुम्हें कितनी पोस्ट 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 चाहिए 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 तुम्हें सिर्फ एक 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 हमारे अंदर उस एक पोस्ट को, उस एक एक सीट को को सीट पाने का जज्बा होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सौ सीट है बहुत सारे बच्चे उन एग्जाम्स को भी देते हैं जब दो ही वैकेंसी निकलती हैं पांच वैकेंसी निकलती हैं उनमें भी तो किसी का सिलेक्शन होता होगा बच्चों कोई तो है जिसका सिलेक्शन उनमें भी होता है क्या वो भगवान का एक अवतार है क्या क्या भगवान ने अलग से जो है वो अलग से उसको कुरेद कुरेद कर जो है उस धरती पर उतारा था क्या नहीं उसने अपने आप को क्या किया है कुरेदा है तो आपको अपने आप को की जरूरत है 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 सीट सीट इतनी उतनी अरे भैया उससे क्या मतलब है हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए सीट चार हजार होंगी तो भी यही तैयारी करेंगे सीट पांच हजार होंगी तो भी यही तैयारी करेंगे सीट ढाई सौ है तो भी यही तैयारी जो है वो तैयारी हम लोग करेंगे ठीक है तो फिर क्यों घबराना क्यों घबराना मत घबराओ यार मत घबराओ ठीक है तो उपचार या ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इसमें क्या किया जाता है रेबीज रोधी टीका लगाया जाता है रेबीज रोधी टीका जो है वो टीका क्या करना चाहिए लगवाना जो है वो लगवाना चाहिए आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मैम रेबीज रोधी जो टीका है इस टीके की खोज जो है वो खोज किसने करी थी तो आप सब लोगों को याद रखना है मैम रेबीज रोधी टीके की खोज करी थी किसने लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीके की खोज किसने करी थी लुई पाश्चर जो है उस लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी साथ ही साथ अगर हम लोग चर्चा करें दूसरा जो है वो दूसरा अगर हम लोगों से यहाँ पर उपचार या ट्रीटमेंट पूछा जाए कि रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए साथ ही में काटने के तुरंत बाद काटने के तुरंत जो है वो तुरंत बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कार्बोलिक एसिड कौन सा कार्बोलिक एसिड या या कार्बोलिक अम्ल फिर जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसी कार्बोलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से घाव को धोना चाहिए ठीक है क्या करना चाहिए कार्बोलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से घाव जो है इसी घाव को क्या कर लेना चाहिए धो जो है वो धो लेना चाहिए अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घाव को धो लेंगे तो क्या होता है ऐसा कहा जाता है कि जो वायरल इंफेक्शन होता है ना जो घाव के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचता है वो कहीं ना कहीं ना होने की संभावना हो जाती है अगर कार्बोलिक एसिड से धो लिया जाए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी इंसान को कुत्ता बिल्ली या बंदर काटता है तो भैया कहाँ उसे कार्बोलिक एसिड दिखता है कहा उसे नाइट्रिक एसिड दिखता है वो तो उल्टे दबे पाँव जो है वो भागता है या तो हॉस्पिटल की तरफ या अपना घर जो है उस घर की तरफ उसे उस समय कुछ भी जो है वो कुछ भी नजर जो है वो नजर यहाँ पर नहीं आता है ठीक है तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान जो है वो ध्यान रखना है तो ये दो इसके उपचार है आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रेबीज रोधी टीका जो है इसी रेबीज रोधी टीके की खोज जो है वो खोज किसने करी थी चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ ही नेक्स्ट डिजीज जो है इस नेक्स्ट डिजीज के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें हमने देखो डेंगू पढ़ लिया डेंगू के बाद हम लोगों ने पोलियो जो है वो पोलियो पढ़ लिया हमने कॉमन कोल्ड पढ़ लिया हमने हेपेटाइटिस ए पढ़ लिया हमने रेबीज जो है वो रेबीज भी पढ़ लिया अब अगर आपसे पूछा जाए कि और कौन सी वायरल डिजीजेस बची हैं तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो वायरल डिजीज है डाटे स्वाइन फ्लू जैसे कोरोना एक महामारी के रूप में आया था और कोरोना भी वायरस से होने वाली बीमारी थी स्वाइन फ्लू जो है ये स्वाइन फ्लू भी आ, आया कुछ समय के लिए अपना प्रकोप इसने दिखाया और दिखाकर जो है वो अपने आप क्या हो गया गायब जो है वो गायब हो गया ठीक है, दिखाकर जो है वो अपने आप क्या हो गया गायब हो गया स्वाइन फ्लू बात करें तो स्वाइन है और इसका भी हम सब लोगों को है कि ये से फैली थी भी नाम अगर हम लोग यहाँ पर पूछे तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है मैम एच वायरस जो होता है इसी एच वायरस की वजह से वो फैल जाता है साथ ही अगर हम लोगों से मैम इसके वाहक के बारे में चर्चा की जाए कि एच1एन1 वायरस हमारे शरीर में किसके माध्यम से जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें किसकी सुअरों की अगर हम लोग बात करें किसकी सुअरों की तो सुअरों के माध्यम से या पिग जो है ये पिग इसका क्या होता है वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है पिग जो है वो पिग इसका क्या होता है वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है अब ये पिग जो है ये पिग कैसे आएगा और मैम पिग से कैसे ये रोग फैला तो मैम क्या स्वाइन फ्लू को हम लोग एक अरे एक मिनट ठीक है मैम क्या स्वाइन फ्लू को हम लोग एक जूनोटिक डिजीज बोल सकते हैं क्या तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं जूनोटिक डिजीज क्योंकि ये भी तो जानवरों से इंसानों में फैल रही है ना ठीक है अब अगर हम लोग ये बोले पिग से कैसे फूला हमारे यहाँ तो मैडम अगर सुअर गली में दिख जाए तो इंसान दस फीट दूर हो जाता है अगर कोई गलती से टच भी हो जाए तो मम्मी घर में आके नहती है नहलाने के बाद गंगा के छीटे देती है तब कहती है कि हाँ अब तुम शुद्ध हो गए हो ठीक है तो फिर हमें सुअर से ये रोग जो है वो कैसे फैला बेटा देखो तुम्हारा हमारे भारत में तो ऐसा होता है लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है ठीक है बाहर की कंट्रीज में यही सुअर जो है ये घरों में भी पाले जाते हैं ये जो फार्म्स होते हैं उन फार्म्स में भी क्या किए जाते हैं पाले जो है वो पाले जाते हैं क्यों पाले जाते हैं वहां के सुअर भी बड़े क्यूट होते हैं आपके यहाँ के सुअर होते हैं काले काले कीचड़ जो है उस कीचड़ में कहीं ना कहीं क्या हुए लिपटे हुए वहाँ के सुअर जो है ना वो सुअर बहुत क्यूट होते हैं बिल्कुल पिंकिश पिंकिश कलर के होते हैं बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सुअर होते हैं छोटे छोटे से होते हैं लोग घरों में पालते हैं इवन उन्हें मारा भी जाता है खाया भी जाता है बाहर की कंट्रीज में तो ये जितनी भी जानवरों से होने वाली डिजीजेज है ना ये मोस्टली नॉन वेजिटेरियन लोगों से और बाहर की कंट्रीज से ही क्या होती है फैलती है तो वहां जब लोग सुअरों के संपर्क में रहे तो सुअरों के माध्यम से सुअरों में पहले ये फ्लू देखा गया सुअरों में सर्दी खांसी जुखाम जुखाम जो है वो देखी गई और उन्हीं सुअरों के माध्यम से ये 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 रोग 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 जो जो है 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 मनुष्य में क्या हो गया आ गया आ ठीक यह यही रोग मनुष्य में जो है वो मनुष्य में क्या हो गया फैल जो है वो फैल गया अब जैसे ही ये रोग हुआ तो मैम इस रोग ने क्या किया इसके लक्षण क्या थे तो देखो जहां पे भी ये शब्द आ जाए ना फ्लू जहां पे भी ये शब्द आ जाए फ्लू फ्लू का मतलब जो है वो फ्लू का मतलब क्या है आपको याद रखना है फ़्लू का मतलब सबसे पहले है सर्दी सर्दी के बाद सबसे पहले है आपके पास खांसी खांसी के बाद है आपके पास मैम जुखाम जुखाम के बाद है आपके पास मैम बुखार बुखार के बाद जो है वो बुखार के बाद जो है वो बुखार के बाद है आपके पास शारीरिक कमजोरी ये सारे लक्षण जो है ना ये सारे लक्षण हमें स्वाइन फ्लू जो है स्वाइन फ्लू रोग में क्या होते हैं दिखाई जो है वो दिखाई देते हैं सारे लक्षण जो है ये स्वाइन फ्लू डिजीज जो है इस डिजीज में हमें क्या होते हैं दिखाई जो है वो दिखाई यहाँ पर देते हैं जो नॉर्मल फ्लू जो है फ्लू के क्या होते हैं लक्षण होते हैं अब हमसे पूछा जाए कि क्या मैम स्वाइन फ्लू रोग का कोई उपचार है क्या ठीक है इसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट है उपचार है तो हम बोल बोलेंगे कि स्वाइन फ्लू का कोई भी टीका जो है ना वो टीका उपलब्ध नहीं है ठीक है लेकिन एक दवा है जिसका नाम है टेमी फ्लू ठीक है एक दवा है जिस दवा का नाम जो है वो दवा का नाम क्या है दवा का नाम है टेमी फ्लू और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टेमी फ्लू नामक दवा का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है प्रियंका सीता प्रजापत वेरी गुड आफ्टरनून बेटा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पता नहीं आज कहाँ कहाँ से घूम घूम के आ रहे हो तुम सब लोग है ना समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ कहाँ से घुमाई जो है वो घुमाई हो रही है और कहाँ कहाँ से घूम घूम के क्लास में जो है वो क्लास में क्या कर रहे हो पहुंच रहे हो लेकिन जल्दी नहीं पहुंच रहे हो बहुत लेट पहुंच रहे हो है ना इट्स नॉट गुड इट्स नॉट गुड तो टेमी दवा जो है वो दवा इसमें दी जाती है साथ ही वायरस जो है वायरस जनित जो व्यक्ति होता है अगर इसी वायरस जनित व्यक्ति को दिन में ठीक है दिन में तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिन में तीस डिग्री सेल्सियस जो है इससे ऊपर और रात में अगर हम लोग बात करें तो रात में अट्ठारह डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है अगर इस टेम्परेचर पर रखा जाए वायरस जनित किसी भी व्यक्ति को इस टेम्परेचर पर अगर क्या किया जाए रखा जो है वो रखा जाए तो इस टेम्परेचर पर रखने से वायरस का प्रकोप धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है और जब इसका कोई टीका नहीं बना कोई वैक्सीन नहीं बनी कोई दवा नहीं बनी तो फिर आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करेगा रोगी का इसी तरीके से इलाज जो है वो इलाज किया गया था रजनी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा आपका भी स्वागत है यही जो है वो यही एक तरीका था कि इसका मरीज का उपचार जो है वो उपचार करने का कि उसे उस टेम्परेचर में जो है वो रखा गया कुछ दिनों में वो वायरस जो है उस वायरस का प्रकोप कम हो गया सेम जैसे कोरोना में हुआ था कि चौदह दिन का जो है वो चौदह दिन का क्या था पीरियड था उस चौदह बोल तो, बोल तो अरे भैया क्या हो गया रजनी तुम किससे लड़ाई कर रही हो यहाँ पर है और किससे लड़ाई करने आई हो हम सब पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर पढ़ रहे है ना फिर ये क्या एटीट्यूड बोल रहा है बोल नहीं तो मत बोल ये मत कर वो मत बोल अरे नहीं भैया बात नहीं करनी है देखो यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है और बात करो तो ऐसे करो हमें समझ में तो आए किससे बात कर रही हो ठीक है किससे बात कर रही हो ये तो हमें समझ में आना यार एग्जैक्टली क्वारंटाइन पीरियड मत याद दिलाओ यार तुम उस समय की ठीक है मत याद दिलाओ तो ये स्वाइन फ्लू हो गया स्वाइन फ्लू के बाद एक और फ्लू जो है ये वायरस की वजह से ही होता है ये होता है बर्ड फ्लू ये भी किसकी वजह से हुआ था वायरस जो है उस वायरस की वजह से ही हुआ था बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू का अगर हमसे पूछा जाए कि वायरस कौन सा था तो आपको याद रखना है एच वन एन वन जो था ये एच वन एन वन तो किसका था स्वाइन फ्लू का था एच फाइव एन वन किसका है एच फाइव एन वन बर्ड फ्लू का है लेकिन हाल ही में कोरोना की तरह ही एक और वायरस जो है एक और इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है वो दुनिया को डरा रहा है और वो है एच थ्री एन टू एच थ्री एन टू इन्फ्लुएंजा फ्लू रणदीप गुलेरिया का कुछ दिन पहले जो है वो कुछ दिन पहले एक समाचार एक संदेश हम लोगों के लिए आया था और संदेश में ये कहा गया था कि यही एच थ्री एन टू इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है ये पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया को क्या कर रहा है डरा रहा है तो एच फाइव एन वन जो है वो इसका क्या हो गया वायरस हो गया वाहक अगर हम लोगों से क्या किया जाए पूछा जाए कि वाहक क्या होगा तो देखो कुक्कड़ फैमिली की अगर बात की जाए कौन सी फैमिली बच्चों कुक्कड़ फैमिली जो है इसी कुड़ फैमिली की अगर बात की जाए जिसमें आता है मुर्गा और मुर्गी ठीक है जिसमें कौन आता है जिसमें एक तो आता है मुर्गा और एक आती है उसी मुर्गे की वाइफ जो होती है मुर्गी ठीक है और इसी मुर्गा और मुर्गी के सेवन से इन्हीं के माध्यम से बर्ड फ्लू जो है बर्ड फ्लू हमारे शरीर में फैल जाता है अच्छा मैम इसके लक्षण जो है वो लक्षण क्या होते हैं ठीक है ठीके? तो सारे लक्षण जो है वो सारे लक्षण फ्लू के समान होते हैं और फ्लू के समान होने के साथ साथ ही व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है कमजोर जो है वो कमज़ोर हो जाता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो प्रभाव किस पे पड़ता है श्वसन तंत्र पे पड़ता है श्वसन तंत्र में क्या हो जाती है गड़बड़ी हो जाती है इंसान को कहीं ना कहीं सांस लेने में क्या होती है दिक्कत जो है वो दिक्कत आती है और यही सांस लेने में दिक्कत की वजह से व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कई बार मौत का शिकार भी हो जाता है अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में भी हमने बर्ड फ्लू के बहुत सारे केसेस जो है वो केसेस क्या किए थे यहाँ पर सुने थे तो ये सारे इसके क्या हैं लक्षण हैं लक्षण के साथ साथ ही अगर उपचार पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे मैम बर्ड फ्लू का भी कोई उपचार नहीं है क्या कोई टीका है क्या मैम नहीं है टीका सिर्फ एंटीबायोटिक्स का सेवन करके और व्यक्ति को जो है वो दूसरे व्यक्तियों से क्या रख के दूर जो है वो दूर के इस रोग को क्या किया जाता है ठीक जो है वो ठीक किया जाता है ठीक है इस रोग को क्या किया जाता है ठीक जो है वो ठीक यहाँ पर किया जाता है तो इतना जो है वो इतना हम सब लोगों को यहाँ पर क्या रखना है ध्यान रखना है दिस इज ऑल अबाउट बर्ड जो है वो बर्ड यहाँ पर फ्लू ठीक है तो स्वाइन फ्लू हो गया बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू हो गया इसके बाद जो है वो इसके बाद एक रोग आता है जिसे हम लोग बोलते हैं खसरा खसरा बोले तो मीजल्स खसरा बोले तो मीजल्स और याद रखना ये जो खसरा या मीजल्स होता है ये भी वायरस जनित रोग होता है और ये वायरस जनित रोगों की आखिरी डिजीज़ है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ठीक है आर्यस जनित रोग जो है उसकी आखिरी डिजीज है जो मैं यहाँ पर आज आप लोगों को जो है वो आप लोगों को क्या कर रही हूँ पढ़ा रही हूँ उसके बाद कल से हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेस और कवक जनित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे तो खसरे के वायरस के बारे में अगर यहाँ पर कोई बात करे तो याद रखना है मैम खसरा होता है रूबेला वायरस की वजह से कौन से वायरस की वजह से होता है मैम खसरा जो है ये खसरा रुबेला वायरस जो है इसी रुबेला वायरस की वजह से होता है इसे मोरबिली वायरस भी बोलते हैं बिल्कुल इसे रुबेला वायरस जो है वो रुबेला वायरस भी यहाँ पर क्या करते हैं बोलते हैं और रुबेला वायरस का वाहक जो है वो वाहक क्या होता है वाहक होती है हवा वाहक होती है हवा और हवा के साथ साथ पानी ये दो माध्यम होते हैं जिसकी वजह से ये वायरस हमारे शरीर में जो है वो शरीर में पहुंच जाता है पहुंचने के साथ साथ ही अगर लक्षणों की बात की जाए तो लक्षणों की बात में सबसे पहला लक्षण होता है कि जिसे भी खसरा होता है ना उसके आँतों में क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में इन्फेक्शन के साथ Mmta! साथ शरीर पर जो है वो शरीर पर लाल दाने जो हैं वो लाल दाने पड़ जाते हैं तीसरी अगर हम लोग बात करें तो पाचन जो है इस पाचन में क्या हो जाती है दिक्कत जो है वो दिक्कत यहाँ पर हो जाती है और पाचन में दिक्कत होने के साथ साथ ही व्यक्ति व्यक्ति जो जो है इस व्यक्ति जो है इस का पाचन पाचन तंत्र तंत्र ये भी क्या हो जाता है गड़बड़ा जो है वो गड़बड़ा यहाँ पर जाता है तो आंतों में इंफेक्शन शरीर पर लाल दाने पाचन में दिक्कत पाचन तंत्र का गड़बड़ाना ये सब जो है ये सब खसरे के क्या होते हैं लक्षण होते हैं अब आपसे पूछा जाए उपचार क्या होता है तो बच्चों ध्यान रखो क्या खसरे का टीका उपलब्ध है क्या तो हम बोलेंगे कि हाँ मैम खसरे का टीका जो है ये खसरे का टीका उपलब्ध है एक क्वेश्चन हम लोगों से और जो है वो ये भी पूछा जाता है कि ये खसरे का टीका बच्चे को किस समय पर दिया जाता है खसरे का टीका जो है यही खसरे का टीका बच्चा जो है उस बच्चे देखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बात निकल के आती है, कि जब बच्चा नौ महीने का होता है तो नौ से बारह महीने के पीरियड के बीच में जो है वो नौ से बारह महीने के पीरियड के बीच में खसरे की पहली खुराक जो है वो दी जाती है और उसके बाद फर्स्ट दी जाती है डोज तो की बात की जाए तो जब बच्चा पाँच से छः वर्ष का हो जाता है तो पाँच से छः वर्ष का होने पर जो इसी टीके की सेकेंड डोज जो है वो सेकेंड डोज बच्चे को क्या की जाती है दी जो है वो दी यहाँ पर जाती है ठीक है तो इतना जो है वो इतना हम सब लोगों को यहाँ पर क्या रखना है ध्यान जो है वो ध्यान रखना है रुबेला वायरस वाहक जो है वो वाहक क्या हो गया हवा और पानी हो गया आंतों में इन्फेक्शन होना शरीर पर लाल दाने होना पाचन तंत्र गड़बड़ाना सांस लेने में दिक्कत होना दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ खसरा ठीक है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे क्योंकि कल हम लोग इसी क्लास में बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ कवक के बारे में भी पढ़ेंगे फंगस के बारे में जो है वो भी पढ़ेंगे तो, तो क्या करना है ठीक है तो कुछ नहीं करना है इंतजार करना है और बने रहना है इसी सेशन के साथ इसी क्लास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच गुड बाय टेक केयर बच्चों जाते जाते सेशन को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड यूज माई कोड वाई ठीक है वाई कोड यूज करना है आप लोग उससे महापैक पर भी ऑफर पा सकते हैं और महापैक के साथ साथ उसी वाई कोड से आप किसी भी बैच को अगर परचेज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा तो टेक केयर गुड बाय सी यू धन्यवाद